मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र में आज उस समय हंगामा हो गया जब शहर के मुहल्ला बरवालान में शिव मंदिर के पास पेऊ में करंट उतरने से एक युवक की मौत हो गई। घटना से गुस्साए युवक के परिजनों व मोहल्ला वासियों ने जमकर हंगामा किया। भाजपा विधायक रितेश गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधायक निधि से लगी पानी की मशीन में तोड़फोड़ की और लगे आरओ को उखाड़ कर फेंक दिया। इस दौरान लोगों ने उनके लगे पोस्टर पर चप्पलों से पिटाई की। घटना से मृतक के परिवारों में कोहराम मचा है। थाना मुगलपुरा क्षेत्र के मुहल्ला बरवालान में शिव मंदिर के पास विधायक निधि से पेऊ लगा है। मोहल्ले के लोग यहां से पीने के लिए पानी लेकर जाते हैं। गुरुवार को सुबह करीब 9 बजे मोहल्ले के ही पवन पेऊ से पानी लेने के लिए आए थे। वह पानी भर रहे थे कि उसमें करंट उतर गया। इसके चपेट में आते ही उनकी हालत बिगड़ गई। सड़क पर पवन को बेसुध पड़ा देख हंगामा खड़ा हो गया। मोहल्ले के लोगों की मदद से परिवार वाले उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पवन की मौत के बाद परिजनों के साथ अन्य लोगों ने जमकर हंगामा किया। प्रभारी निरीक्षक गजेंद्र सिंह और चौकी इंचार्ज राशिद हुसैन फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पवन के परिवार वालों को समझाया जा रहा है, परिजन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवाया और मामले में उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। आनंद, क्या घटना हुई आज? मेरा भाई मंदिर धो रहा था, ये विधायक जी का बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ है, जो भी कुछ हुआ है। विधायक जी का जो बॉर्डर पूरा लगा हुआ है, इससे करंट लगा स्कूल, करंट की केस था। 10 मिनट में भी, मतलब हम जब तक हॉस्पिटल लेके गए, उसे मृत घोषित कर दिया। आज ही करंट आया कि पहले से करंट आ रहा था उसमें जो बॉर्डर का लगा हुआ है? करंट आज ही आया उसमें, पहले भी करंट आ रहा था इसमें? जब स्टार्टिंग में लगा था तब आया था, उसके बाद से आज। इसकी शिकायत किसको की थी आपने? विधायक जी को एक बार हो चुकी है शिकायत की थी इसकी, तो कोई सुनवाई नहीं हुई थी? कोई सुनवाई नहीं। तो आज क्या मांग हुई आपकी? जो घटना, अब आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता, बस वो 7 बजे से आश्वासन दे रहे हैं कि अभी आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस घटना का किसको जिम्मेदार मानते हैं आप, जो आपके भाई के साथ? सबसे पहले तो मैं उस डिपार्टमेंट को, जिसने ये बाटो कूलर, और दूसरा ये बाटो कूलर लगाने वाले जो इसे वो जो थे ऑनर विधायक, ये सुबह यहाँ पे ब्याह है जी का लाया हुआ, या किसी काम से लाया था, ये तो वहाँ पर करंट लगा, डेड हो गई तुरंत। हम कई जगह लेकर दिखाने डॉक्टर जी। कितने बजे की घटना है, क्या कर रहे थे? 6 बजे घटना का, घटना के बजे ये घटना पता नहीं कि मैं बाहर रहता हूँ, मैं जैसी खबर मिली मैं वैसे भागा हूँ। क्या नाम है लड़के का? लड़के का पवन। क्या करते हैं? इधर रेडमेड वालों की काम करते हैं, इधर देखते हैं रेडमेड वन काम करता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो विधायक जी को मिलाना चाह रहे हैं कि विधायक जी की लगाया हुआ है या उनके पास आए, कम से कम देख के जाएं वो ये कांड हुआ उनकी क्या उसे। अभी तक नहीं आया, आज क्वेश्चन आया कि आधे घंटे में पहुँचे वो। देखिए, अभी तक जितना पता चला है यहाँ के लोगों से, जो आसपास के इंस्पेक्टर साहब से जितना पता चला है कि लड़का वाटर कूलर की तरफ आया था। अब यहाँ पे उसके साथ में कोई था, किसी ने देखा नहीं देखा, सुनी हुई बात है, बाद में देखते हैं, जांच करेंगे, पता चलेगा कि किस लिए आया था यहाँ पर लड़का और किस तरीके से कहाँ से करंट लगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो करंट, जो बिजली थी, पीछे से बंद कर दी गई है यहाँ पे दूसरे लोगों की सहायता से, तो आगे जाँच के बाद में पूरा पता चलेगा कि क्या पूरा हुआ। क्या बॉडी का PM कराया जा रहा है? देखिए, ये सब बात की सारी चीज़ें हैं और हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें लीगल तरीके से हों। रिपोर्टिंग भी होगा, बिल्कुल होगा, और इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि जब जांच हो पूरी तो उसके बाद पता चले सारी चीज़ें क्या। थैंक यू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।